39 दिव्यांग बच्चों के ऑपरेशन के लिए धनलक्ष्मी कंपनी ने उदयपुर किया रवाना। जी हाँ, नरसिंहपुर जिले में धनलक्ष्मी कंपनी द्वारा नारायण सेवा संस्था के तत्वाधान में एक दिवसीय दिव्यांग शिविर का आयोजन 13 मार्च को गाडरवारा शहर में किया गया था, जिसमें नारायण सेवा संस्था द्वारा कुछ दिव्यांग बच्चों की जांच करते हुए ऑपरेशन हेतु बच्चों का चयन किया गया था, जिसको लेकर धनलक्ष्मी कंपनी द्वारा दिव्यांग बच्चों एवं उनके परिजनों को पहुंचाने के लिए बस की व्यवस्थाएं की गई हैं, जो सागर तक बच्चों को ले जाएगी। वहां से सागर से ट्रेन रूट द्वारा उदयपुर राजस्थान के लिए प्रस्थान करेंगे, जहां पर बच्चों का नारायण सेवा संस्था में ऑपरेशन होगा। धनलक्ष्मी कंपनी द्वारा 6 सदस्यीय टीम को भी बच्चों की देखरेख के लिए भेजा गया है, जिसमें पहले राउंड में 39 बच्चों को भेजा जा चुका है। कैंप में 76 बच्चों का चयन हुआ था, बाकी बच्चों को अगले राउंड में भेजा जाएगा। सभी बच्चों की एवं उनके साथ जा रहे परिजनों के सदस्यों की आने जाने से लेकर रहने व खाने की संपूर्ण व्यवस्था धनलक्ष्मी कंपनी की द्वारा की गई है। आगे भी धनलक्ष्मी कंपनी इस तरीके के आयोजन करती रहेगी। धनलक्ष्मी ग्रुप की तरफ से कुछ नहीं है क्या? धनलक्ष्मी ग्रुप की तरफ से सेवा संस्थान द्वारा जो 13 मार्च में जो शिविर लगा था, उसमें जिन लोग जिन मरीजों का चयन हुआ था, उनमें जो ऑपरेशन के लिए चयनित हुए 78 मरीज के लगभग चयनित हुए थे, उनमें से आज जो है वो 38 मरीज और उनके परिजन, साथ में के परिजन है उनके, उन सबको कंपनी द्वारा उदयपुर भेजा जाएगा। सारी रिजर्वेशन यहाँ से सागर बस से जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से ट्रेन नहीं है, ट्रेन सागर से। सागर तक जाने के लिए बसों की व्यवस्था, यहाँ भोजन नाश्ता, वहाँ पर भोजन, रेलवे रिजर्वेशन जो सागर से उदयपुर के लिए हुआ है, सारा का सारा कंपनी की तरफ से निःशुल्क। मरीजों का क्या क्या उपचार जी? मरीजों का उपचार तो ऑपरेशन वगैरह होने वो तो वहीं जाकर के मालूम पड़ेगा, और धनलक्ष्मी की एक 6 सदस्यीय टीम भी जा रही है साथ में, जो वहाँ पर इन लोगों की देखरेख करेगी, देखभाल करेगी। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।